अस्सलामुअलैकुम। आज असा नए टॉपिक सा हाजिर आयूं। पाण जे टॉपिक के डिस्कस कंदासी वो प्रेपोजिशन आए। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रेपोजिशन? द डेफिनेशन हियर, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। यानी कि प्रेपोजिशन जो कम छा है? प्रेपोजिशन जो कम ही आ त प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन जे अग्या इस्तेमाल थी बिन शयन जे रिलेशनशिप के जाहिर कंदी आ। हाँ, ही प्रेपोजिशन आ जी इन, ऑन, टू, फ्रॉम, विद, विद इन, इनसाइड, बाय, इनटू, अंडर, ईटीसी, इन के असि चवंदा आयूं प्रेपोजिशन चवंदा आयूं। हाँ, इन जो जो डेफिनेशन आ, इन जो फंक्शन आ, इन जी समझण की कोशिश कजो। दिसो, मां इते सेंटेंस लिखियो आ, माय मोबाइल इज ऑन द टेबल। हाँ, तां के खबर आ ऑन द टेबल ही अवां जो छाए, दिस इज योर नाउन। ठीक आ, इन ऑन जे अगिया ही जेका टेबल आ, इन जे अगिया जेका असां ऑन रखी आ, इन के असि चवंदा आयूं प्रेपोजिशन। So my mobile is on the table. The preposition on is used before noun table. What does it show? It shows relationship. हाँ, कें जो relationship जाहिर भी करे, relationship भी जाहिर करे तो बाबा जो मुझे मोबाइल आ वो किथे पियल आ? वो टेबल ते पियल आ। हाँ, फर्ज कर जैसे मैं इतना आन हटा छदम सजे जुमले जो कारो मुँह थी। मिसाल, माय मोबाइल इज द टेबल। हाँ, अस सिर्फ इतने आन हणूँ था ऐं तव्हां ॾिसो त केतिरो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो क्लियर थी थो वञे। ऐं आन जॾहिं हटायूं था त जुमिले जो कारो मुंहुं थी थो वञे। तंहिंजे करे प्रेपोजिशन जो कमु छा आहे? प्रेपोजिशन जो कमु इहो आहे त उहे नाउन ऐं प्रोनाउन जे अॻियां इस्तेमालु थी ॿिनि शयुनि जे रिलेशनशिप खे ज़ाहिरु कंदा आहिनि। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वी आर एट यूनिवर्सिटी। हाणे ॾिसो बाबा, जेको यूनिवर्सिटी आहे उहो नाउन आहे हिकिड़ो। ठीकु आहे, ऐं एट छा आहे? एट जेको आहे उहो प्रेपोजिशन आहे। सो we are at university, university is a noun and at is preposition, preposition at asa university je agya istemal kai chapyo zahir the relationship pyo zahir the ta jeko asa university mein maujood ayu edi tarah sa they were inside the car. han diso baba, car cha hai noun na, in je agya asa inside preposition hai ai relationship pyo zahir the. the horse was in garden, garden noun na, ai in awa ji preposition na त हार्स ऐं जेको गार्डन आहे उनजो रिलेशनशिप पियो ज़ाहिरु थिए। हाणे फ़र्ज़ु कयो मां हितां इन हटाए छॾियां त जुमिलो छा थींदो? द हार्स वास गार्डन, घोड़ो बाग हो, कारो मुंहुं थी वियो जुमिले जो। त हिकिड़ो त प्रेपोजिशन जो रूल इहो थियो त जेका प्रेपोजिशन आहे उहा इस्म जे अॻियां इस्तेमालु थी ॿिनि शयुनि जे रिलेशनशिप्स खे ज़ाहिरु कंदी आहे। अच्छा, ईअं बि थींदो आहे त कॾहिं कॾहिं प्रेपोजिशन नाउन जे अॻियां इस्तेमालु थी टाइम, प्लेस वग़ैरह बि शो करे सघे थी। मिसाल, आई गो टू स्कूल, त स्कूल इज़ अ प्लेस। या आई विल कम एट 9 PM, त इहो इते स्कूल इज़ अ प्लेस, 9 जेको आहे उहो टाइम आहे। तव्हां ईअं बि चई सघो था, पर यूजुअली जेका प्रेपोजिशन आहे उनखे असां इस्म जे अॻियां इस्तेमालु कंदा आहियूं। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ प्रेपोजिशन कैन बी यूज बिफोर प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप। नाउ ट्राई टू रीड आउट दिस सेंटेंस, दिस बुक इज़ फॉर यू। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे हीउ जेको यू आहे इहो छा आहे? प्रोनाउन आ। दिस बुक इज़ फॉर यू। ऐं फार छा आहे? अवां जी प्रेपोजिशन आहे। हाणे जेका प्रेपोजिशन फार आहे उहा कंहिंजे अॻियां इस्तेमालु थी? प्रोनाउन यू जे अॻियां इस्तेमालु थी। छा पियो ज़ाहिर थिए? रिलेशनशिप पियो ज़ाहिर थिए त बाबा हीअ किताबु तव्हांजे लाइ। अहिड़े हिसाब सां यू कैम विद हिम। नाउ हिम इज़ वाट इज़ प्रोनाउन एंड वाट इज़ विथ, दिस इज़ प्रेपोजिशन एंड दिस प्रेपोजिशन विथ इज़ यूज बिफोर प्रोनाउन हिम एंड इट शोज रिलेशनशिप दैट यू कैम विद हिम। That gift was from him. Now again this him is pronoun, okay, and from is preposition, relationship jo zahir the, and he danced without us, us pronoun a, ai without je ka hai wa preposition a, ai jare ta gaur kanda disanda ta ye hi shay panjo panjo relationship jo zahir kan ta hi je ka hai definition a, and this is called the conceptual understanding of the definition of preposition, that a preposition is used before noun and pronoun to show relationship between things. हाणे रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अंग्रेज़ीअ में टोटल 175 प्रेपोजिशन्स आहिनि एंड देयर इज़ नो कंसेप्चुअल वे थ्रू विच वी कैन टीच यू प्रेपोजिशन को हिकिड़ो फाइनल। द वे आई वी डिस्कस प्रोनाउन, द वे वी डिस्कस एडजेक्टिव वारा नाउन, वाई? बिकॉज दे हैव गॉट कंसेप्चुअल यू नो पैराडाइम्स एंड थिंग्स, बट प्रेपोजिशन सां इहो सीन आहे त प्रेपोजिशन जो को कॉन्सेप्ट आहे कोन। फ़र्ज़ु कयो जेकॾहिं 175 प्रेपोजिशन्स आहिनि त हिकु हिकु प्रेपोजिशन खे अलॻि वेही पोइ उन जा जुमिला लिखाइजनि,
इन सा वही इं थो जो पा टे महीना रुगो प्रेपोजिशन में फाथा पाया हूँ तो उन बाकी तक पा मेहनत करनी पवी उनके थोड़ा समझणो पवो बाकी थोड़ी घनी जगह हेल्प आउट मुखा थी वो मैं क्या तो हाँ अस ही कुछ जुमला लिखा ऐसो बबा ये जुमलो लिखो आ दे हैव शाउटेड एट मी या दे हैव शाउटेड टू मी ब प्रेपोजिशन्स एकड़ो एट आ बो टू आन बिन्हीं में कड़ो जुमलो सही है दे हैव शाउटेड एट मी या दे हैव शाउटेड टू मी तड़ो जुमलो सही तो लगे ये बई जुमला सही है ठीक है पर हाँ इन थोड़ा फर्क है एट आई टू जो याद रखो ये जो एट आ बबा यो छा शो कन डायरेक्शन आई जो प्रेपोजिशन टू आ वो इन सेंस में छा शो कन डिस्टेंस द एट शोज डायरेक्शन डायरेक्शन फर्ज कर हाँ इन बिन्हीं जुमलन जो मतलब छा है दे हैव शाउटेड एट मी एंड दे हैव शाउटेड टू मी आया इन मतलब सागो आ या अलग आ इन मतलब बिल्कुल अलग है जैसे मैं चवान दे शाउटेड एट मी इन मतलब उन्होंने धड़का दिना पर अगर मैं चवान दे हैव शाउटेड टू मी दैट मीन्स दैट शोज डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब कि कुछ कदम परे बीठो आया आई मुझे सड था कन सो दे हैव शाउटेड टू मी माना उन्होंने सड किया है दे हैव शाउटेड एट मी उन्होंने धड़का दिना केंदो ढी रात जो फर्क है वाई बिकॉज एट शोज डायरेक्शन तेजकर अस कदें भी इं न चवी तो आई एम लाफिंग ऑन यू इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस वाई बिकॉज एट शोज डायरेक्शन तो इन मतलब वी वुड से दैट आई एम लाफिंग एट यू वी विल नेवर से आई एम लाफिंग ऑन यू ठीक है या ग्रेमेटिकल मिस्टेक थी अड़े हिसाब से इन जुमले के ऐसो ही थ्रू यू अ बॉल एट यू एंड ही थ्रू यू अ बॉल टू यू जैसे अस चूं तो ही थ्रू अ बॉल एट यू माना उन तक बॉल हों जोर से आयो धकण के हिसाब से पर अगर अस इं चूं तो ही थ्रू अ बॉल टू यू इन मतलब है तो तुम कुछ डिस्टेंस से बिठा उन बॉल उछलाया कैच किया एट आई टू प्रेपोजिशन में यो डिफरेंस होंद याद रखो एट छा शो कंदो डायरेक्शन आई टू छा शो कंदो है डिस्टेंस हाँ तक गाल समझी सको था जैसे मैं हिंद जुमलो लिखा आई एम पॉइंटिंग एट बर्ड्स आई एम पॉइंटिंग एट बर्ड्स मतलब मैं पखियन जो निशान वी रहा बिकॉज आई एम गाना शूट दम पर अगर मैं चवान आई एम पॉइंटिंग टू द बर्ड्स इन मतलब है उतने पखी वेठा है कें इशारे में बुधाया पो तो ओ ये पखी वेठा यो डिफरेंस है हाँ ये चार जुमला तक अगर लिखा है ही विल कम ऑन नेक्स्ट संडे वी वर एब्सेंट ऑन लास्ट वीक एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन एवरी मंथ एंड दे मे जॉइन अस इन दिस ईयर हाँ ये जो चार जुमला है ये ग्रेमेटिकली गलत है हाँ इन गलत होजन जो रीजन है इन गलत होजन जो रीजन ही है याद रखो जैं भी डेज वीक्स मंथ्स एंड ईयर में आई एम रिपीटिंग जैं भी ढी मही हफ्ते महीने या साल के अगर ही अची वे जी नेक्स्ट आ लास्ट आ एवरी आ दिस आ जै इन अगर नेक्स्ट लास्ट एवरी एंड दिस इन तभी एजेक्टिव चई सको जैं ये इस्तेमाल थी तो इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल न थी है मिसाल हाँ ही जुमलो सही कें जुमले के बिन तरीक से सही करो लिखम ही विल कम नेक्स्ट संडे ठीक है नाउ दिस इज द राइट सेंटेंस ही विल कम नेक्स्ट संडे पर छोजो हाँ संडे के अगर नेक्स्ट अची ना करे ते का भी प्रेपोजिशन न लगंदी पर जैसे तुम नेक्स्ट के ड्राए छो तो हाँ तुम जो जुमलो ही विल कम ऑन संडे सो यू कैन से दैट ही विल कम ऑन संडे or you can say that he will come next Sunday but you will never say he will come on next Sunday why because whenever these things next last every and this are present before days weeks months and year we are not supposed to use any preposition there so hine ke paan kiyan sahi kandasi we were absent on last week ta asi cha likhandasi ta we were absent theek a simply cha chahi kandasi we were absent last week right या असि चंदी वी आर एब्सेंट ऑन द वीक ओके अड़ी तरह से यू कैन पार्टिसिपेट इन मंथ या यू कैन पार्टिसिपेट एवरी मंथ पर अस इं न चवी यू कैन पार्टिसिपेट इन एवरी मंथ सो दे मे जॉइन अस इन ईयर या दे मे जॉइन अस दिस ईयर पर अस इं न चवी दे मे जॉइन अस इन दिस ईयर त
ये कुछ इस्तेमाल हूँ प्रेपोजिशन जहाँ जैसे वहाँ के समझ घुर्जन बिहार भी आम तौर से डिफरेंस रही पर को फाइनल सोल्यूशन आए को फर्ज कर वॉट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड इन टू अब चवंदा तो बबा जो इन टू आहिर क्या इन टू जाहिर क्या है मूवमेंट के वॉट इज इन यो जाहिर क्या रेस्ट के वेन समथिंग इज एट रेस्ट वी विल यूज इन एंड वन समथिंग इज इन अ मूवमेंट तो अस इन टू इस्तेमाल क्या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चव आई went in the room so this is incorrect sentence why this is incorrect sentence because went is a movement is an action ta tenje kare ma in ke sahi kiya kando ma in ke sahi in likhandum ta I went into the room now why I have used into here because into shows movement par agar ma inje chava I am into the room right so if I say I am into the room This is also an incorrect sentence. Why this is incorrect sentence? Because when I say I am into in the room actually, tamam I am at rest. Ta hani sahi jumlo cha thindo? The right sentence would be I am in the room. Theek hai? Edi tarah ama ke khabar hundi ta among ai between mein bhi difference hundo a preposition mein. Hani among ai between mein kedo farak a? Jeko between a फॉर टू थिंग्स अस इस्तेमाल कहो अमंग इज फॉर मोर देन टू थिंग्स मिसाल मैं चई सो द नोज इज बिटवीन द आईज नाउ वाई डू आई से द नोज इज बिटवीन द आईज बिकॉज द आईज आर टू इन विच में नक है ठीक है पर अगर मैं चव फर्ज कर जुमला तो लिखा माई विलेज इज बिटवीन द माउंटेन्स चव माई विलेज इज अमंग द माउंटेन्स तो इनमें डिफरेंस कड़ो आ इन में डिफरेंस यो जद चव माई विलेज इज बिटवीन द हिल्स आर माउंटेन्स दैट मीन्स मुझो जो गोठ है वो बिन पहाड़ों के विच में है माना सिर्फ ब पहाड़ों उन विच में मुझे गोठ आ पर अगर मैं चव माई विलेज इज अमंग द हिल्स दैट मीन्स उत खोड़ सारी पहाड़ियों उन विच में असो गोठ आ ये कुछ डिफरेंसिस होंगे हाँ पान जैसे एक प्रेपोजिशन से वही गलई तो मुख्य अठ दह वीडियो रुगो प्रेपोजिशन से ठाणा पवंदा अड़ो को कॉन्सेप्ट रूल कॉन्सेप्चुअल रूल हों भी को सो वुड सजेस्ट यू तो कड़े वर्ब से कड़ी प्रेपोजिशन इंदी है इन तुम पान थोड़ा वर्कआउट कर तो भलो एंड इफ आई गेट चांस थी सके तो नॉट प्रॉमिसिंग जैसे टाइम मिलो तो वही चालीस पंजा मिनटन जो अलग इं जितो पढ़ाए सकम मतलब वो तक को प्रेपोजिशन जो 100% कॉन्सेप्ट न दी बस को मेरी गाल थोड़ी घनी क्लियर थी हाँ पा अगे और नेक्स्ट टॉपिक सो नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट द ओमिशन ऑफ टू एंड फॉर राइट व्हाट इज ओमिशन ऑफ टू एंड फॉर ओमिशन वर्ड जो वहाँ खबर होंगी ओमिशन मीन्स वेन यू मेक समथिंग साइलेंट ओके So two and four ma cha murad hai okay have you ever heard about the direct and indirect object in your life direct object cha ke chabo indirect object cha chabo zarur budho hundo par dhapo kon hundo concept unho na hundo I am sure about this ta sab kha pehre paan padhna si what is actually the concept of direct object and indirect object ya direct object cha hai indirect object cha hai ai unsa gad paan omission of two and four bhi padhna si हि याद रखो बाबा सेंड लैंड आस्क गिव ऑफर शो टेल प्रॉमिस हैंड सिंग ए कुछ अड़ा वर्ब्स हूँ राइट ठीक है जिनसा अस हमेशा प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल कंदा आयूं मिसाल ही केड़ा वर्ब सेंड लैंड आस्क गिव ऑफर शो टेल प्रॉमिस जिनसा अस केड़ी प्रेपोजिशन हणंदासीं टू मिसाल ही विल गिव सम बुक्स टू यू राइट या दे कैन लैंड अ कार टू अस या शी हैज ऑफर्ड अ गुड जॉब टू हिम हाँ याद रख जो इतने जो ही आवाज सब्जेक्ट आको विल आो तुम हेल्पिंग वर्ब आ गिव तुम मेन वर्ब है ही जो सम बुक्स आ इनके असि चवंदी दिस इज युअर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू अवजो प्रेपोजिशन आ आई यू अवां जो छा है द यू इज युअर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउ दिस सेम यू नो व जेका है ही स्ट्रक्चर आ है इत बिन जुमलन ते अप्लाई कंदासी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कार इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू इज प्रेपोजिशन एंड अस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है
हाणे डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खे थोरो सम्झो। ॾिसो बाबा, असां आम तौर ते अंग्रेज़ीअ में जेको ऑब्जेक्ट इस्तेमालु कंदा आहियूं उहो हमेशह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरि मां चवां आई किक अ बॉल, सो दिस बॉल इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी मेक्स टी, टी इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम कटिंग अ ट्री, इहो जेको ट्री आहे हिते छा आहे, इहो अव्हांजो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे। आई एम यूज़िंग अ मार्कर, दिस मार्कर इज़ यूअर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आम तौर ते जेके वर्ब हूंदा आहिनि अंग्रेज़ी जा, उन्हनि में असां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खणंदा आहियूं, ठीकु आहे, उहो यूजुअली सभिनि में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लॻंदो आहे। पर कुझु वर्ब अहिड़ा हूंदा आहिनि, कुझु वर्ब अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन में असां ॿ ऑब्जेक्ट इस्तेमालु कंदासीं, ठीकु आहे। हिकिड़ो जेको पहिरियों जेको ऑब्जेक्ट हूंदो उनखे असीं चइबो आहे डायरेक्ट, ऐं जेको बाद में ईंदो उनखे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चवंदा आहियूं। मिसाल ॾिसो कीअं, हिते वर्ब छा आहे, हाणे उहे कहिड़ा वर्ब आहिनि जिन सां असां ॿ ऑब्जेक्ट खणंदा आहियूं, उहे वर्ब ई आहिनि, सेंड, लैंड, आस्क, गिव, ऑफर, शो, टेल, फाइव सिक्स आर मोर, राइट। इन सेम वे बिल्ड, बाय, बुक, ब्रिंग, ऑर्डर, कुक, फ्राई, ही उहे वर्ब्स आहिनि जिन सां असां छा कंदा आहियूं, ॿ ऑब्जेक्ट इस्तेमालु कंदा आहियूं, ठीकु आहे। त हिकिड़ो हूंदो आहे तव्हांजो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐं ॿियो हूंदो आहे तव्हांजो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाणे पंहिंजो जेको टॉपिक आहे उहो छा आहे, पंहिंजो टॉपिक इहो आहे ओमिशन ऑफ टू, राइट। हाणे ओमिशन ऑफ टू मां छा मुराद आहे, मां हिन सेंटेंस खे हीअं बि लिखी सघां थो त ही विल गिव यू सम बुक्स, राइट। हाणे जेको यू आहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहिरें अची वेंदो, ऐं जेको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे सम बुक्स बाद में हली वेंदो, ऐं उहो टू गायब थी वेंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खे सुञाणबो कीअं आहे। जेको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, रिमेंबर, इज़ अ थिंग आर आइडिया। जेको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूंदो आहे या थिंग हूंदो आहे या आइडिया हूंदो आहे, ऐं जेको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूंदो आहे इज़ ऑलवेज़ अ पर्सन। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज़ अ पर्सन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडिया आर अ थिंग, लाइक ही विल गिव सम बुक्स। हाणे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, हाणे सम बुक्स छा आहे, दिस इज़ अ थिंग, ऐं टू अवांजी प्रेपोज़िशन आहे, यू छा आहे, इज़ अ पर्सन। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेको डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, अच्छा, हिनखे तव्हां ॿिए तरीक़े सां सम्झो। जॾहिं सेंटेंस में टू ऐं फार मौजूदु हुजे, त टू खां पहिरें जेको ऑब्जेक्ट हूंदो उहो डायरेक्ट आहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, ऐं टू खां बाद वारो जेको ऑब्जेक्ट आहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे। तव्हां ईअं बि सम्झी सघो था, पर जॾहिं असां टू खे रिमूव कंदासीं, ओमिट कंदासीं, त इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तव्हांजो पहिरें अची वेंदो ऐं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हलियो वेंदो। सो दे कैन लैंड अ कार टू अस, हाणे असीं हिन जुमिले खे हीअं बि लिखी सघूं था त दे कैन लैंड अस अ कार। Okay, she has offered a good job to him. Asin cha likhnasin, she has offered him a good job. Hopefully it's clear. Haani ehde namune hi wari saga verb tha, build, buy, book, bring, order, cook, and fry, theek hai, hina mein direct and indirect object hundo. मिसाल जे तौर ते फार खां पहिरें जेको ऑब्जेक्ट हूंदो उहो तव्हांजो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, ऐं फार खां पोइ जेको अव्हांजो ऑब्जेक्ट हूंदो उहो तव्हांजो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूंदो। सो आई विल बाय एन आइसक्रीम फार सलीम। नाओ हाणे असां छा कंदासीं, इन फार खे ओमिट कंदासीं। ॾिसो बाबा, जॾहिं मां इन फार खे ओमिट कंदुमि त मां छा लिखंदुमि, आई विल बाय सलीम एन आइसक्रीम, ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां वी आर बुकिंग सम टिकट्स फॉर देम, त पाण छा लिखंदासीं, वी आर बुकिंग देम सम टिकट्स, ओके। इन सेम वे वी कैन से शी हैज़ कुक्ड मी फिश। सो दिस इज समथिंग अबाउट द डायरेक्ट एंड indirect object and as well as the omission of to and for. Now what kind of mistake or error that can come into the sentence, unake thoro samjhani koshish kajo. Farz kajo je kare ma anya likha, they will give some books for you. The now they will give some books for you, what is the error here? The error is for, why? Because jeko verb give indo डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जे विच में, असां प्रेपोज़िशन फार न हणंदा आहियूं, छा हणंदा आहियूं, टू हणंदा आहियूं, त सही जुमिलो छा थींदो, दे विल गिव सम बुक्स टू यू। इन सेम वे ॾिसो, जेकॾहिं मां हीअं लिखां, आई विल बाय एन आइसक्रीम टू सलीम, सो वेयर इज़ द एरर, द एरर इज़ दिस टू, ओके। वाए, बिकॉज जेको बाय आहे असां हुन सां प्रेपोज़िशन फार हणंदा आहियूं।
सो होपफुली दिस इज क्लियर. पाण प्रेपोजिशन खे ख़तम कयो. पाण बाक़ी नाउ वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट कंजक्शन एंड देन इंटरजेक्शन.